इष्ट गुरु चैनल के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इससे पहले मैंने शनि के कारकत्व पर एक वीडियो बनाया है और अब इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आपके जन्म कुंडली के अंतर्गत शनिदेव आपके किस भाव में बैठे हैं, मेष में या मीन में या किस राशि में। यदि बैठे हैं तो थोड़ा बहुत आपके जीवन में ऐसा असर जरूर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं मेष राशि से। यदि मेष राशि में शनि बैठे हैं तो ऐसा जातक व्यसन और परिश्रम से खिन्न होता है तथा प्रपंची और भाई बंधुओं से द्वेषी होता है। निठुरता और ढीठता रहती, बहुत बोलने वाला व्यक्ति होता है तथा निंदनीय होता है। निर्धन और कुरूप तथा क्रोधी और नीच आचार विचार, ऐसे लोग प्रियजनों के शत्रु होते हैं और शठता तथा निर्दयता और पाप कर्म में लिप्त होते हैं मेष राशि में यदि शनि बैठे हैं, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। वृष राशि में शनि हो तो धनहीनता और ऐसे लोगों के पास भाई बंधुओं का बोझ रहता है और अनुचित भाषी, गलत बोलने वाला, सत्कर्महीनता और किसी न किसी वृद्धा स्त्री के साथ शारीरिक संबंध होते हैं और दुष्ट मित्रों वाला होता है ऐसा व्यक्ति। परिस्त्री सेवक, कपटी, बहुत कार्य में आसक्त और मूढ़ भी होता है। यदि मिथुन राशि में बैठे हैं शनि तो क्या है मिथुन में स्वभाव, तो कर्जदार बना देता है, बंधन और परिश्रम से दुखी हो जाता है जातक। बंधन किसी भी तरह का हो, जेल खाना इत्यादि। सत्गुणहीनता छिप कर के रहने वाला, कामी, कपटी, क्रोधी, शठ और दुशील तथा खेल कूद में क्रीड़ा अनुरक्त होता है। कर्क राशि में यदि शनि है आपकी कुंडली में तो आपके अंदर कुछ गुण आ सकते हैं ऐसे। देखो, सुशीला स्त्री का पति ऐसा व्यक्ति होता है, उसकी स्त्री बहुत अच्छी होती है। बचपन में धनहीन होता है ऐसा व्यक्ति और बाद में धनवान होता है तथा रोग कोई ना कोई जरूर रहेगा और माँ का सुख कम होगा। स्वभाव में मिठास रहेगी। विशेष कार्यों में रत रहने वाला तथा सदा रोगों से पीड़ित भी बना देता है। जवानी में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है। ख्याति, बंधुओं से विरुद्धता रहती है तथा कुटिलता और राजा के समान भोगी होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कर्क में यदि शनि हो तो। आपकी कुंडली में सिंह राशि के अंतर्गत शनि बैठे हैं तो पढ़ने लिखने में तत्परता रहती है आपके अंदर और विषयाभिज्ञ, हर विषयों में जानकारी, लेखों में निंदित होता है ऐसा व्यक्ति और शील रहित, स्त्री रहित, नौकरी से जीने वाला तथा एकाकी और हर्षहीन होता है, मतलब हर्ष उल्लास की कमी रहती है ऐसा व्यक्ति। निंदक होता है, क्रोधी और अनेक प्रकार के मनोरथों से भरित रहता है, भार तथा मार्ग के श्रम से दुखी होता है। यदि कन्या राशि में बैठे हैं जन्म कुंडली में शनि तो नपुंसक जैसा, सठ और पर अन्नभोजी, वेश्यागामी और अल्प मित्र वाला होता है। शिल्प कला से अनभिज्ञ, विशिष्ट कार्य का इच्छुक, पुत्र और धन से युक्त होता है। आलसी तथा परोपकारी, कन्या को दूषित करने वाले कार्य में तत्पर शनिदेव करते हैं। सोच विचार करके काम करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में कन्या के अंतर्गत शनि होते हैं। यदि तुला में शनि है तो ऐसा जातक धन संग्रही होता है, यानी कि धन को इकट्ठा करता है तथा मृदुभाषी भी होता है और विदेश यात्रा से धन तथा मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। राजा और विद्वान तथा स्वजन रक्षित, अपने भाई बंधुओं की रक्षा करने वाला तथा धनवान माना जाता है। समाज में श्रेष्ठता, वचन प्रभाव से स्थान प्राप्त करने वाला और साधु, कुलटा, नर्तकी और वेश्या से प्रेम करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। तो वृश्चिक राशि में यदि शनि है तो लोक द्वेषी, यानी कि हर आदमी से द्वेष करने का स्वभाव बन जाता है। विष या शस्त्र से आहत होता है ऐसा व्यक्ति। अति क्रोधी, लोभी और घमंडी तथा धनवान भी होता है। दूसरों का धन अपहरण कर लेने में समर्थ होता है। दूसरों के साथ जबरदस्ती धन छीनने की आदत होती है। शुभ कृत्य से विमुख रहता है। नीच कर्मा, खर्च, हानि तथा रोगों से दुखी होता है जिसका शनि बैठा हो वृश्चिक में। धनु राशि में यदि शनि है तो जातक व्यवहार बोध होता है, अध्ययन तथा विद्या में निपुणता रहती है। पुत्रों के गुणों से तथा अपने धर्म और सुशीलता से लोक में विख्याति प्राप्त होती है।
वृद्धावस्था में उत्कृष्ट संपत्ति का भोग मिलता है। लोक में आदर थोड़ा बोलने वाला और बहुत से नामों से प्रसिद्ध, कई नाम होते हैं ऐसे व्यक्ति के, तथा मृदु स्वभाव होता है। यदि मकर में शनि है आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत, तो परिस्त्री तथा अन्य क्षेत्रों का अधिपति, वेद का ज्ञाता, गुणी और शिल्पज्ञ। मगर हर चीज में, मतलब हर चीज, हर कला में निपुण होता है ऐसा व्यक्ति। श्रेष्ठ तथा कुल पूज्य होता है, दूसरों से आदर पाने वाला व्यक्ति होता है। विख्यात स्नान और अलंकारी का प्रेमी, कार्य चतुर, विदेश में रहने वाला तथा बहादुर निर्भीक होता है ऐसा व्यक्ति जिसका मकर में शनि हो जन्म कुंडली के अंतर्गत। तो यदि कुंभ में शनि बैठे हैं तो बार बार झूठ बोलने की आदत होती है ऐसे लोगों को, और शराब पीने की आदत बन जाती है, तथा स्त्री के व्यसन में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं ऐसे लोग। धूर्तता और ठगी, मित्रों को भी धोखा दे देते हैं ऐसे लोग। बहुत क्रोधी होते हैं, ज्ञान तथा कथा स्मरण से दूर रहने वाले होते हैं, पर स्त्रीगामी होते हैं। कठोर भाषी और बहुत से कामों को प्रारंभ करने वाले होते हैं, इकट्ठे ही बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं। अगर मीन राशि में है शनि तो ऐसा जातक यज्ञ तथा शिल्प विद्या का प्रेमी होता है, अपने बंधु और मित्रों से उसमें अपना प्रधान अग्रगण्य रहता है। शांत स्वभाव, धनी, नीतिज्ञ और रत्न परीक्षक भी होता है ऐसा व्यक्ति, और धर्म प्रधान, व्यवहार में प्रेमी, विनय और गुणों से युक्त, वृद्धों जैसा विचारशील होता है, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ के कदम उठाता है। जैसे बुजुर्ग लोग, समझदार लोग कदम उठाते हैं तो 100 बार सोचते हैं। तो मीन राशि वालों के अंदर ये गुण रहता है। सामान्यतया तथा साधारणतः शनि के लिए मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन और मिथुन राशियां शुभ हैं। तुला और कुंभ अशुभ है। वृष, कन्या और मकर बहुत ही अशुभ हैं। तो ये कुंडली के अंतर्गत अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपके शनि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, तो ऐसा जातक खेती बाड़ी करने वाला होता है और अत्यंत धनी और गाय, भैंसे, घोड़े आदि चौपाए जानवरों से युक्त होता है, भाग्यवान और कामों में संलग्न होता है, खाली नहीं बैठता है। अगर चंद्रमा की दृष्टि है आपके शनि के ऊपर तो चंचलता रहेगी और नीच स्वभाव, कुरूपा और कुशीला स्त्री में आसक्त रहते हैं, सुख और धन से हीन होते हैं जिनके शनि को चंद्रमा देखता है। अगर मंगल की दृष्टि हुई शनि पे तो हिंसक होता है ऐसा व्यक्ति, क्षुद्र और चोरों का मुखिया, स्त्री, मांस, मदिरा सेवन करने वाला होता है जिसके शनि को मंगल देखते हों। यदि शनि पर बुध की दृष्टि पड़ रही है तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है, अधर्मी होता है और बहुत भक्षी यानी बहुत खाने वाला होता है, और नामी चोर होता है, मुख और वचन कर्म से हीनता रहती है तथा धन से रहित और सुख से रहित होता है। यदि शनि के ऊपर आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, धनी होता है, भाग्यवान होता है, राजा का प्रधानमंत्री होता है। यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है आपके शनि के ऊपर तो चंचल, कुरूप, परस्त्रीगामी ऐसा बताता है वेद शास्त्र, वेश्या का भक्त तथा सुखहीन स्वभाव बन जाता है। अगर वृष, तुला स्थित शनि पर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो शनि पर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक स्पष्ट वक्ता, निर्धन, विद्वान, परान्नभोजी और मृदु होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि शनि की दृष्टि किस ग्रह, शनि पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इसके बारे में हमने आपको संक्षेप में बताया। तो चलिए हम इसके बाद आगे विश्लेषण करेंगे शनि के एक घर से लेकर के 12 घरों तक का प्रभाव क्या होता है जातक की जन्म कुंडली में, इस पर हम अगला वीडियो देंगे। बस तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। वीडियो लंबा ना हो जाए इसका रखेंगे ध्यान। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।